discuss what do we mean by the term work done with us. Work jo hai beta, it is said to be done when the point of application of the force changes with it. Work is said to be done if the point of application of the force changes. Mathematically, work done jo hai, mathematically work done jo hai, mathematically work done is equal to the product of the force applied and distance covered in the direction of force. बड़े ध्यान से सुनिएगा. वर्क डन जो है बेटा, वर्क डन जो है किसी भी केस में जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाइड की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स अगर मूव करेगा, वी विल से दैट कि वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स. अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, वी कांट से दैट कि वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ है. इसको समझने के लिए बेटा आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इमेजिन करिएगा. एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने इमेजिन किया. इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है. व्हाट इज बीइंग डन बेटा, एक मिनट. हाँ, रहने दो, आप ऐसे ही बैठो, कोई बात नहीं. फोर्स, दिस इज द फोर्स अप्लाइड और आपका जो ऑब्जेक्ट है इस अप्लाइड फोर्स की वजह से इस पोजीशन पर, ए पोजीशन से स्टार्ट होकर बी पोजीशन पे पहुंच गया. एस के बराबर का इसने डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. सो मैथमेटिकल वर्क इज सेट टू बी डन बेटा इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स चेंजेस. सेकेंडली एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. कुछ नहीं लिखा बेटा, लिख रहा हूं द्वारा, ध्यान दो इधर. वर्क डन, दिस इज इक्वल टू अप्लाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड इन द direction of force. वही है, W is equal to the product of the force multiplied by the distance with r. SI units की बात करें अगर work done के, joules इन SI सिस्टम वर्क डन आपका बेटे जो है जाउल्स में मेजर किया जाता है. अगर आपका अप्लाइड फोर्स जो है ये 1 न्यूटन का है, इफ एफ आपने 1 न्यूटन का अप्लाई किया है और इस फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, एस आपका 1 मीटर हो अगर, देन वी विल से दैट वर्क डन जो है
ये आपका 1 जूल के बराबर निकल आएगा। इन सिंपल वर्ड्स बेटा, आपका जो 1 जूल है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर का है। हाँ जी बेटे, एफ एस, एफ इज फॉर फोर्स बेटा, एस इज फॉर द डिस्टेंस। ये देखिए ना डायग्राम, ये आपने फोर्स अप्लाई किया है और एस के बराबर का आपने ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस मूव किया बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स। अगर हम बात करें सीवीएस यूनिट्स की बेटा, ये सुनना ही नहीं चाहते कुछ, इसीलिए मैं भी ठीक है, आप नहीं सुनना चाहते तो लेट मी गो लाइक दैट आल्सो। वो आप वो ऐसे क्वेश्चन पूछें जिनका मतलब कोई नहीं है, आना होगा तो इसीलिए करवा रहा हूँ। पहले लिखा नहीं था, आपका ध्यान कहाँ पे था? Then, CGS सिस्टम की बात करेंगे। इन CGS सिस्टम आपका जो वर्क डन है इट इज मेड इन बेटा अर्ब्स, वर्क डन इज मेड इन अर्ब्स, अर्ब्स इफ फोर्स आपका 1 न्यूटन का है। बेटे आप काम ही नहीं करना चाहते हैं, आपका मन नहीं है काम करने का, और डिस्टेंस कवर्ड जो है 1 सेंटीमीटर का हो, देन वर्क डन आपके पास 1 अरब कहलाएगा। और इट मींस दैट 1 अरब जो है आपका 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर के बराबर का वर्क डन है। ERGS अर्ब्स, हाँ जी, ये आपका बेटा जो है CGS मतलब छोटे सिस्टम में इसका यूनिट है, बड़े वाले जब आप यूनिट्स लगाओगे तो ये आपका जूल्स में आ जाएगा। राइट बेटे, हम सारे यूज करते हैं। रिलेशन बिटवीन जूल्स एंड अरब्स, 1 जूल आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर आपने अभी अभी प्रूव किया था। 1 न्यूटन में 10^5 डाइन्स होते हैं, तो दिस इज 10^5 डाइन्स। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर आ गया ये आपका, इट विल बी 10^7 डाइन्स इंटू सेंटीमीटर, ये आपके अर्ब्स होते हैं। 10^7 अर्ब्स के बराबर आपका 1 जूल जो है आ जाता। सो इन दिस वे आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है वर्क, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी बेटे, we have work done by a variable acting at some angle, सर
आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने एक अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। बेटे डियर चिल्ड्रन, अगर किसी को पहले आता है मुझे बहुत खुशी है, लेकिन बाकियों को डिस्टर्ब मत करिए काम। अगर आपको नहीं आता ध्यान से सुनिए, बाद में बात करते हैं बाकी। आप कर क्या रहे हो आप? इधर देखो ना ये क्या लिखा हुआ है, इट इज एट सम एंगल, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द वर्ड। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे आपने प्लेस कर रखा है, और दिस इज द फोर्स यू आर अप्लाइंग एट दिस पॉइंट। ये फोर्स अब आपका हॉरिजॉन्टल के अलोंग नहीं है, लेकिन फिर भी इस ऑब्जेक्ट की वजह से, आपका फोर्स की वजह से आपका ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच जाता है और डिस्टेंस कवर्ड आपका एस के बराबर का है। फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रखा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये थीटा एंगल पे है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इधर वर्टिकल डायरेक्शन होता है, राइट? इतना क्लियर है सबको? ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन के साथ, जिन एक्सिस के साथ आपका कोई वेक्टर एंगल बनाता है, इसका इसके अलोंग कंपोनेंट कॉस ऑफ थीटा होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना ये आपका साइन थीटा कंपोनेंट हुआ करता है। सो वर्क डन W जो होगा इस केस में, अब आप ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन में इतनी फोर्स लग रही है, ये नहीं लग रही, ये नहीं लग रही है। इट विल मीन दैट वर्क डन बन गया F cos थीटा डिस्टेंस कवर्ड S के बराबर का है। स्टैंड अप, फोर्स आपका जितना भी लग रहा है, इसको आपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, स्प्लिट कर लिया, एक ये है एक ये है, अब ये नहीं है, इसका कितना कंपोनेंट इधर लग रहा है, दैट इज कॉस थीटा कंपोनेंट, कितना वर्टिकल के लॉन्ग लग रहा है, दैट इज एफ साइन थीटा कंपोनेंट, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यस, आपका कॉपी पेन कहां पे है? डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स आपका एफ कॉस थीटा के बराबर का है, आपने वो कंपोनेंट उठा लिया और वर्क डन निकाल लिया, और डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा एफ एस कॉस ऑफ एंगल थीटा। इस रिलेशनशिप को याद रखिएगा, अगर आपका अप्लाइड फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे हो जाए, स्पेशल केस की बात कर रहा हूं, If theta is equal to 90 degree, cos 90 degree याद रखिएगा जीरो होता है, और आपका वर्क डन उस केस में ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप अपने ऑब्जेक्ट पर डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन के कंपैरेटिवली परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जीरो वर्क डन विल बी डन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं, आप अपना बैग उठाकर अपने घर को मूव कर रहे हो आफ्टर द फुल ब्रेक और इन द मॉर्निंग टाइम। मान लीजिए हमने बैग को बेटा जो है अपने शोल्डर्स पे या बैग पे उसको एडजस्ट कर रखा है, उस केस में हमारा वर्क डन जो है इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस और फिजिक्स विल बी जीरो, और वर्क डन बाय ए कुली in order to lift some weight on his head and move across the platform, that will also be zero in the language of the science. क्यों ऐसा है? आइए थोड़ा आपको मैं with the help of diagram भी समझा देता हूं। Imagine करिए ये कोई कुली load उठाकर move कर रहा है along a road, और ये कोई load है। इस केस में क्या है, उस पर्सन को जिसने वेट लिफ्ट किया हुआ है
वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, लेकिन वो जो पर्सन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ऐसे केस में बेटे क्या होगा, आपका वर्क डन W जो है एफ एस कॉस 90 आ जाएगा। कॉस 90 बेटे जीरो होता है, इट विल बिकम जीरो। सेकंड, यस तो ये दो ही है, वही है, उठा भी रहा है चल भी रहा है, क्योंकि वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है उसको लिफ्ट करने के लिए। लिसन, एक मिनट बैठो, मैंने आपको स्टेटमेंट में बोला है वर्क डन बाई ए कुली टू लिफ्ट ए लोड, राइट बेटा, दैट इज जीरो। चलने के लिए वर्क डन जीरो नहीं है, राइट और आप ऐसे भी कह सकते हो when a coolie is moving across this surface then the work done in lifting the load that is zero। apne chalne mein to work hoga hi hoga, yes sir, lift karne ke liye work jo hai that is equal to zero। iske baad second case hai mere paas, agar aapka angle theta jo hai that is equal to 0 degree, matlab jis direction mein aapne force apply kiya डिस्टेंस कवर्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो है इट विल बी एफ एस कॉस जीरो आ जाएगा। याद रखिएगा कॉस जीरो वन के बराबर होता है और वर्क डन आपका एफ इंटू एस के बराबर आ जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन। सो इन दिस वे बेटे आप दोनों केसेस को देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद तीसरा केस बन जाता है, अगर आपका एंगल थीटा जो है, थीटा आपका 180 डिग्री हो गया, आप जिस तरह फोर्स अप्लाई कर रहे हो आपका ऑब्जेक्ट उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस केस में वर्क डन जो है that is fs cos of 180 degree, and cos 180 याद रखिएगा माइनस वन हुआ करता है, सो वर्क डन आपके पास आ गया माइनस fs। दिस इज द मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन। एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, वर्क डन by the gravitational force when a body is thrown in the upward direction is negative। आइए ध्यान दें, work done by the gravitational force, work done by the gravitational force When, ये क्या कर रही है गुड़िया, क्या कर रहे हो आप, आपको पढ़ने पुढ़ने का है नहीं कुछ भी, आवाजें क्यों आ रही है आपकी, गन अभी अभी भी बोली जा रहे हो आप। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन इट विल बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, लेट अस कंसेंट्रेट, देखें जरा समझ के कि क्यों नेगेटिव है। आपने मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इसने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया और बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है और वापस भी आएगा इस वे में। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, जब तक बॉल अपवर्ड जा रहा है, फोर्स बॉल पे लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर आप बात करोगे फोर्स ड्यू टू द
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज वर्किंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तो पर्सन का फोर्स है ना बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फोर्स आपका जो हमने लिखा है दैट इज डाउनवर्ड, और आपका ऑब्जेक्ट यहां तक एस के बराबर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस केस में डिस्टेंस कवर्ड और फोर्स अप्लाइड के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस 180, इट विल बी माइनस एफ एस। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक बात और आपको बता दूं बेटा, जब तक आपका एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा है, कम है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। मैं लिख देता हूं इस तरफ बेटा, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री वर्क डन विल बी पॉजिटिव, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्क डन इज जीरो, इफ थीटा इज मोर देन 90 डिग्री वर्क डन इज नेगेटिव। तो ये बातों का आपने साथ साथ ध्यान रखना। क्लियर टू ऑल? छोटा सा न्यूमेरिकल एक लिखिएगा, नोटबुक्स बेटे सारे बच्चों ने अपनी कलेक्ट कर ली है ना, जिनकी अभी भी रहती हैं वो नेक्स्ट डे जिस दिन भी आप आएंगे स्कूल में जरूर चेक करवा लीजिएगा। राइट, आई डोंट नो बेटा, आपको मैडम अपने आप इंडिकेट कर देंगे। सो आपने वहां क्यों रख दी कॉपी? आपकी कॉपी आप अपने पास रखो, मतलब बराबर का ही काम है दोनों से। सो लिखो न्यूमेरिकल एक बेटा, लिखो, लिखिए न्यूमेरिकल एक। ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स, द बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, द बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाई द अप्लाइड फोर्स। एक मैं करता हूं, आप बाद में करोगे। आपका अप्लाइड फोर्स एफ जो है 20 न्यूटन का है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? ए बॉल इज हैविंग मास ऑफ 200 ग्राम, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर्स कर लीजिए बेटा, एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर्स। राइट बेटा, अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस आपके पास है, फोर्स आपके पास है, तो सीधा ही हो जाएगा। वेरी नाइस, दिस इज द पॉइंट आई वॉज एक्सपेक्टिंग। 100 सेंटीमीटर के मीटर बनाने बहुत जरूरी है, नहीं बनाओगे तो आपका यूनिट्स का मिसमैच होगा और गलत हो जाएगा। इट इज 1 मीटर, W is 20 into 1, 20 joules, right? बड़ी खुशी वाली बात है, कर लिया तो आगे चलिए। joules
एल ई लिखा हुआ है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन पुत्र। वेरी नाइस, लिखिए बेटा। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स द ऑब्जेक्ट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, बाय 50 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स एक पार्ट और है इसका, वो भी लिखिए साथ में। आल्सो कैलकुलेट दिस वर्क, आल्सो कैलकुलेट दिस वर्क इन सीजीएस यूनिट्स, इन सीजीएस यूनिट्स बेटा। आल्सो कैलकुलेट दिस वर्क डन इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट्स बेटा। तो डियर चिल्ड्रन, आपका अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन का है बेटा, 100 न्यूटन इट विल बी देयर। डिस्टेंस कवर्ड आपका जो है ये बेटा 50 मीटर्स का है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 5000 जूल्स बेटा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल्स एंड अर्ब्स बेटा? आप इधर इधर, नहीं नहीं बेटे, वन जूल और अर्ग कैसे रिलेटेड है? बैठो, यस आप बोल दो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपका वन जूल 10^7 अर्ग्स के बराबर होता है, और यही आपके सीजीएस यूनिट्स भी हैं। सो वर्क डन विल बी 5000 10^7 अर्ग्स, या आप ऐसे कह लो इट विल बी 5 अर्ग्स। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, नाइस। तो कैलकुलेशन आपका बेटे जो है काफी ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट होना चाहिए, तभी हम प्रॉपरली इसको जो है वर्कआउट कर पाएंगे। एक आप खुद कर लीजिएगा, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं बेटा। लिख लो बेटे, लिख लो, कोई बात नहीं। 200 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, 200 न्यूटन अप्लाइड फोर्स परफॉर्म्स ए वर्क ऑफ 200 न्यूटन अप्लाइड फोर्स परफॉर्म्स ए वर्क ऑफ 5000 जूल्स इन शिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, इसको कर लीजिएगा। Yes.
थैंक यू।